14 अक्टूबर 2025 विंडोज 10 पूरी तरह से एंड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 को पूरी तरह से एंड कर देगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके मन में भी आ सकता है कि आप विंडोज 10 को यूज कर रहे हो तो विंडोज 10 एंड होने के बाद क्या कुछ दिक्कत आ सकता है आपका पीसी में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 एंड होने के बाद विंडोज 10 पे जितना सा कुछ अपडेट रहता है उस अपडेट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा विंडोज 10 पीसी में। उसके साथ साथ विंडोज 10 पे जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी पे भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 पे कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं करेगा। ये छोड़ के भी आपके मन में बहुत सारा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अगर आप विंडोज 10 को यूज करते हो तो विंडोज 10 पीसी में विंडोज 10 एंड होने के बाद कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा, कोई काम आप नहीं कर सकते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर को आपका विंडोज 10 पीसी में इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आपका विंडोज 10 पीसी ओपन नहीं होगा, आपका विंडोज 10 पीसी पूरी तरह से खराब हो जाएगा, या हो सकता है कि आपका विंडोज 10 पीसी हैक हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके मन में भी आ सकता है। डोंट वरी, जस्ट लिसन टू मी। आज मैं अपने इस वीडियो में ये सारा क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। ये सही है कि विंडोज 10 एंड होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो कुछ अपडेट प्रोवाइड होता है विंडोज 10 पे वो सारा कुछ अपडेट नहीं मिलेगा। विंडोज 10 का जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी भी अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 पे प्रोवाइड नहीं करेगा विंडोज 10 एंड होने के बाद। मगर मेरा क्वेश्चन यही है कि कितना सारा लोग विंडोज को अपडेट करता है। अगर आप भी विंडोज को यूज करते हो ना तो विंडोज को अपडेट करते हो। 100 में से 90% लोग विंडोज को अपडेट नहीं करते हैं और विंडोज का जो अपडेट है उसको पूरी तरह से ऑफ करके रखता है। और मैं यहाँ पर एक बात बोल देता हूँ कि विंडोज का जो सिक्योरिटी है विंडोज डिफेंडर से कितना सारा लोग विंडोज को स्कैन करता है, कितना सारा लोग विंडोज डिफेंडर को यूज करता है। अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज है फिर भी सेपरेट करके एक एंटीवायरस को यूज कर रहे हो, क्विकिल, नॉर्टन, गार्जियन, K7, बहुत सारा एंटीवायरस हो सकता है आप यूज कर रहे हो वहां पर आपको विंडोज 10 पीसी में। क्यों विंडोज पे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया विंडोज डिफेंडर, क्यों आपको नेसेसरी हो रहा है कि आपको विंडोज में एक सेपरेट करके एंटीवायरस को यूज करो? क्योंकि विंडोज का जो विंडोज सिक्योरिटी है वो उतना खास नहीं है, सारा वायरस से आपको विंडोज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो विंडोज का जो विंडोज सिक्योरिटी है विंडोज डिफेंडर उतना खास नहीं होता है, विंडोज को अपडेट भी ऑफ करके रखते हो, विंडोज का जो सिक्योरिटी है विंडोज डिफेंडर उससे भी स्कैन नहीं करते हो, तो विंडोज एंड होने के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपका पीसी खराब नहीं हो जाएगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। मगर धीरे धीरे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी एंड कर देगा क्योंकि वो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ लेटेस्ट विंडोज में सपोर्ट करेगा, विंडोज 10 पे कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास विंडोज 10 पीसी है वो खराब नहीं होगा, वो ऑन होगा, सारा कुछ काम आप कर सकते हो उसमें। मगर वहां पर सिर्फ अपडेट नहीं आएगा और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज का जो सिक्योरिटी है वो अपडेट नहीं आएगा, विंडोज आपका हैक नहीं होगा, कोई हैक नहीं कर सकते। अगर आपके पास सेपरेट करके कोई एंटीवायरस है तो आपका सेपरेट एंटीवायरस पूरी तरह से आपको विंडोज को प्रोटेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर, मेरे पास एक छोटा सा शॉप है कंप्यूटर का, मैं यहाँ पर देखता हूँ बहुत सारा फैक्ट्री यहाँ पर है, बहुत सारा फैक्ट्री से बहुत सारा पीसी मेरे पास आता है। वहाँ पर उस पीसी में अभी तक विंडोज XP चल रहा है क्योंकि वो फैक्ट्री का वो सेपरेट का एक सॉफ्टवेयर है, इसे विंडोज XP में सपोर्ट करता है, तो इसलिए विंडोज XP चाहता है वो। मुझे विंडोज XP चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, विंडोज 7 भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया उसका पीसी में, विंडोज XP चाहिए उसको, विंडोज XP अभी यूज हो रहा है। बहुत सारे बैंक पे मैं अभी वहां पर देखा कि विंडोज 7 रन हो रहा है, विंडोज 7 चल रहा है बैंक में। सो व्हाट, विंडोज 10 अभी तक नहीं आया, विंडोज 7 बहुत पहले वो पूरी तरह से एंड हो गया था, मगर अभी तक विंडोज 7 XP सारा कुछ चल रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आसानी से आप विंडोज 10 को यूज कर सकते हो उसको एंड होने के बाद भी। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि विंडोज 10 एंड होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। स्वाद चलते हैं, मिलते बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में। तो टुडेज़ ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।